गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है, एक तो जेईई से इससे एक सवाल आ सकता है, पूछ सकता है, जेईई के लिए तो पूछते ही इससे दो सवाल, ठीक है। और ये टॉपिक वो सवाल आने की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड आपको सवाल हर टॉपिक में मिलेंगे, चाहे वो मैग्नेटिज्म हो, चाहे वो इलेक्ट्रो, चाहे वो ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, ठीक है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करेंट हो, ठीक है, तो हर सारी चीजों में आपको इसका एप्लीकेशन मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही फंडामेंटल है और बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान से पढ़ें। इसमें कुछ भी समझ में नहीं आए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, बिल्कुल भी डाउट के साथ ना रहे क्योंकि इधर का डाउट आपका हमेशा के लिए रह जाएगा। तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कई बार मैंने देखा है कि इसको लोग डायरेक्ट पढ़ाते हैं बट कुछ भी फंडामेंटल्स की कोई चर्चा नहीं होती कि व्हाई इट इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसको व्हाट इज किस तरह का मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं और क्यों इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बातें हम यहाँ पे करेंगे। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑल्सो। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वाइब्रेशंस अगर आप देखो तो वाइब्रेशंस जो भी होते हैं ना वो खतरनाक होते हैं, कोई भी वाइब्रेशंस, तो वाइब्रेशन आपकी चीजों को कमजोर करता है, ठीक है। एंड वाइब्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, ठीक है। आप अभी तो थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे बट जब आप आगे जाएंगे तो इसका और भी वास्ट यूज है जब आप वाइब्रेशंस पढ़ेंगे। खैर हम लोग को तो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पढ़ना है बट आगे जाओगे तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक पढ़ना पड़ सकता है आपको, ठीक है। अब ये कितना खतरनाक हो सकता है मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल। जैसे कि आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर में वाइब्रेशन ऐसे होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि वाइब्रेशन जो होते हैं ना वो किसी भी मटेरियल में एक फटीग जनरेट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊं कि अगर हम 10 न्यूटन का फोर्स किसी व्यक्ति को धक्का दिए, ठीक है, या फिर 5 न्यूटन के फोर्स से उसको ऐसे ऐसे हिलाए, तो वो 5 न्यूटन का फोर्स जो वाइब्रेटिंग होगा वो ज्यादा खतरनाक होगा बशर्ते 10 न्यूटन के फोर्स से। आई बात समझ में? इसीलिए आपका जो जनरेटर का वाइब्रेटर होता है अगर कहीं ग्राउंड पे रख दो तो पूरे बिल्डिंग को हिला सकता है, वो पूरे बिल्डिंग को वाइब्रेट करा सकता है और इससे होगा ये कि आपके बेसिस कमजोर हो जाएंगे और हो सकता है वो टूट जाए। वाइब्रेशन को रोकना इम्पॉसिबल है, वाइब्रेशन को नहीं रोक सकते हैं। अगर वाइब्रेशन को नहीं रोक पाएंगे तो उससे रिलेटेड जो उसके नुकसान है वो हमको झेलना पड़ सकता है। यही वो कारण है कि किसी मशीनरी कंपोनेंट में जिसमें कि टू एंड फ्रो मोशन होता है, टू एंड फ्रो, इसीलिए आपको सब समझ में आ जाएगा सिस्टम कैसा होता है, वाइब्रेशन टू एंड फ्रो चलना। तो कोई भी मशीन जिसमें वाइब्रेशन होते हैं उसका खराब होना निश्चित है, वो कभी भी आजीवन नहीं हो सकता, कभी भी, चाहे आपका एसी हो, चाहे आपका पंखा हो, चाहे आपका साइकिल हो, चाहे आपका कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट है, वो उसको खराब होना निश्चित है उसको। इसीलिए हर एक इक्विपमेंट का हम लोग ईयर्स डिसाइड करते हैं कि कितने साल तक वो चलेगा। आपके बाइक का एक ईयर है, आपके एसी का एक निश्चित समय है खराब होने का, आपके जनरेटर का एक निश्चित समय खराब होने का, तो वो आजीवन नहीं रह सकता। इसके पीछे एक एक ही वजह है, उसका वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से होने वाले प्रॉब्लम्स। तो भाई साहब अब वाइब्रेशन के होने वाले प्रॉब्लम इतने खतरनाक है तो वाइब्रेशन को तो हटा देना चाहिए। तो यू कैन नॉट इरेडिकेट वाइब्रेशन कंप्लीटली और यू कैन नॉट कंट्रोल वाइब्रेशन इटसेल्फ, यू कैन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ वाइब्रेशन, आप मिनिमाइज कर सकते हैं उसके वाइब्रेशन इफेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे जनरेटर को देखते हैं तो जनरेटर बहुत कंपन होता है, बहुत वाइब्रेट करता है एंड दैट कैन वीकन योर बेस ऑफ योर होम, उसका फाउंडेशन को वो खराब कर सकता है। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि जनरेटर के बगल में दो पहिए लगे होते हैं, उसका दो काम है, एक तो वो मूव कर सकता है आसानी से, दूसरा रबर एक बहुत अच्छा आइसोलेटर है, वाइब्रेशन आइसोलेटर। उसका मतलब ये है कि वो वाइब्रेशन जनरेटर में तो होगा लेकिन जमीन तक आपके पूरे वाइब्रेशन को नहीं जाने देगा। उसी तरीके से जनरेटर को आप देखना एक रेल पे रखा होता है, एक स्टैंड बना होता है, एक स्टैंड बना होता है इस तरह का रेल के पटरी टाइप का और उस पे जनरेटर रखे होते हैं,
ठीक है, तो अगेन इट वर्क्स एज एन आइसोलेटर, वाइब्रेशन आइसोलेटर, जिससे कि जनरेटर में वाइब्रेशन तो हो लेकिन वो नीचे तक नहीं जाए। आपने कभी देखा होगा कि बड़े बड़े जनरेटर्स जो होते हैं, जो ग्रीन जनरेटर्स होते हैं, उसके लिए पहले आइसोलेशन पैड बनाते हैं सीमेंट बालू से, एक एक निश्चित, जैसे यहाँ ग्राउंड है, अगर ये ग्राउंड है तो आप क्या करोगे, निश्चित थिकनेस का एक बनाओगे आइसोलेटर, ठीक है ना। वो लिखा रहता है जनरेटर के मैनुअल में, जब देखोगे तो जनरेटर वाला आपके भूलेगा कि आप पहले आइसोलेटर बनाइए, आप पहले इसको तैयार कीजिए, ठीक है, और उसके ऊपर फिर जनरेटर रखेंगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि भाई साहब ये वाइब्रेशन का कॉज है, यह वाइब्रेशन होता है और यहाँ से वाइब्रेशन डायरेक्ट यहाँ तक पहुंचेगा, अगर डायरेक्ट ग्राउंड में रखा होता तो आपके बेस को कमजोर कर देता, लेकिन जब ये इस पे रखा होता है तो वाइब्रेशन जाता तो है नीचे, लेकिन वो वाइब्रेशन बहुत कम हो जाता है, उसका इफेक्ट बहुत कम हो जाता है, तो वो आपके घर को फाइनली नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कोई भी मशीनरी इक्विपमेंट देखिए, जैसे आपके बाजार में लेथ मशीन होता है, ठीक है, कई सारे जैसे लेथ मशीन हो गया, आपका ये शेपर टूल, ग्राइंडर टूल, ड्रिलर, उस सभी के सभी पैड पर रखे होते हैं, इसको पैड बोलते हैं, डैम्पिंग पैड बोलते हैं। खैर आगे समझ में आएगा आपको सारी बातें क्या है। तो दोस्तों यहां से आपको ये समझ में आता है कि वाइब्रेशन कहीं ना कहीं तो कष्टदायक है और बहुत खतरनाक चीज है, तो वाइब्रेशन अगर खतरनाक है तो उसको मिनिमाइज करना होगा, और उसको मिनिमाइज करने के लिए वाइब्रेशन की स्टडी करना बहुत आवश्यक है। दोस्तों जब आप आगे जाओगे तो वाइब्रेशन का एक अलग सा चैप्टर है, ठीक है, और फर्दर आगे जाने के बाद रिसर्च एरिया है इसका आगे कमरा, ठीक है। तो वाइब्रेशन की स्टडी करने के बाद हम लोग, अब वाइब्रेशन इतना खतरनाक है तो वाइब्रेशन की स्टडी करना बहुत आवश्यक है, तो वो वाइब्रेशन की स्टडी करने के लिए हम लोग को एसएचएम का जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, हम लोग को एसएचएम का जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए दोस्तों हम लोग एसएचएम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसएचएम पढ़ेंगे कुछ आइडियोलॉजी के साथ, कुछ आइडियल चीजों को मान के, ठीक है, उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत रियल सिचुएशन भी आएंगे, क्योंकि ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें, आपको बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है, बट अंतों तक हम आपको फील करवा देंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर था, ठीक है, क्योंकि ये जो वाइब्रेशन आइसोलेटर्स बनते हैं ये उसकी स्टडी के बाद ही बनते हैं। इज दिस ओके? तो हम लोग यही समझते हुए आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर भले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही, बट ये रियल लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए, हम लोग आज तक देखा जाए तो हम लोग कितने टाइप के मोशन पढ़ चुके हैं, तो देखिए हम लोग लीनियर मोशन पढ़ चुके हैं। अब ये लीनियर मोशन क्या था, तो दोस्तों जब ये मान लीजिए इसके हर एक पार्टिकल माइंड, हर एक पार्टिकल जब एक ही वेलोसिटी से चल रहे होंगे, एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसे मोशन को कौन सा मोशन कहते हैं, लीनियर मोशन। मतलब अगर इस पूरे बॉडी का, या इसके कह दिया जाए कि सेंटर ऑफ मास का, अगर इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन v और a है, तो इसके हर पार्टिकल का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगा, यही डायरेक्शन के साथ, आई एम टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी नॉट अबाउट स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन जब सारे पार्टिकल का एक ही डायरेक्शन में हो, ठीक है ना, एक ही डायरेक्शन में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। और इसके बारे में हम काफी सारा चीज पढ़ चुके हैं पहले ही शुरुआत में, ठीक है, काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ लीनियर मोशन, कई सारी चीजें इसके ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इस पर पीएचडी हमारा हो चुका है, ठीक। अब उसके बाद हम क्या पढ़े, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने क्या देखा कि मान लीजिए एक डिस्क है, ये डिस्क है, ये सेंटर है, तो इसके जो हर पार्टिकल्स और ये सेंटर है मान लीजिए, ठीक है, हर पार्टिकल जो है, ठीक है, तो मान लीजिए इस पार्टिकल की बात करें, इसका जो वेलोसिटी है और इसका ओमेगा है, और इसका कुछ अपने अल्फा भी होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके हर, इसका तो हर पार्टिकल के लिए, फॉर ईच पार्टिकल v इज द कांस्टेंट, ठीक है, एंड a इज कांस्टेंट फॉर ईच पार्टिकल, हर एक पार्टिकल के लिए, ठीक है हर एक पार्टिकल के लिए, अब जो भी एक्सेलरेशन हो, जो भी हो, ठीक है, किसी भी चीज का फंक्शन हो, वो अगर सेंटर ऑफ मास का होगा तो सारे पार्टिकल्स का भी होगा,
ठीक है, उसी तरीके से इसकी बात करें तो सर्कुलर मोशन में फॉर ईच पार्टिकल, फॉर ईच पार्टिकल v बराबर, v बराबर r ओमेगा या फिर a बराबर r अल्फा। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ये चीज पढ़ा है ना हमने, ये सारी बातें। ठीक है, और एक और एक्स, ये तो हो गया आपका, आपको पता होगा इसमें दो एक्सप्रेशन होते हैं, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन और एक होता है रेडियल एक्सप्रेशन, दैट इज v स्क्वायर / r, जो कि होता है टुवर्ड्स द सेंटर, ये टुवर्ड्स द सेंटर ये, और ये होता है इंटीग्रल। खैर, हम लोग इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ खास चर्चा नहीं करेंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि क्या सर मैथमेटिकल इक्वेशंस को देख के हम मोशन पहचानते हैं? तो आंसर हाँ, हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को देख के मोशन पहचानते हैं कौन सा मोशन है। ठीक है, इसके हर पार्टिकल का वी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास का वही इसका होगा सारे पार्टिकल्स का। उसी तरह अगर सारे पार्टिकल का, सारे पार्टिकल का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर अगर इस इक्वेशन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है, हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं। तो इसमें सारे पार्टिकल का क्या बराबर होगा? अगर हम बात करें कि सर यहां पे तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है सारे पार्टिकल का, यहां सारे पार्टिकल का क्या कांस्टेंट होगा? यहां सारे पार्टिकल का ओमेगा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा, और अल्फा जो भी होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो लीनियर मोशन के लिए बी और ए कांस्टेंट होता है, और सर्कुलर मोशन के लिए ओमेगा और अल्फा कांस्टेंट होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। क्या दुनिया में इतने ही टाइप के मोशन होते हैं? तो आंसर है नहीं, और भी टाइप के मोशन होते हैं। ठीक है ना, बट जो मुख्य मोशन, जो मुख्य चीज है, एक ये है, एक ये है, और एक पीरियोडिक मोशन है। ठीक है ना, एक पीरियोडिक मोशन है, उस पीरियोडिक मोशन से जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो उसको देखते हैं थोड़ा। अगर हम बात करें यहां पे ये और पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन, तो भाई साहब ये कैसा मोशन है, ये कैसा मोशन है भाई साहब? तो ये एक तरह का ऐसा मोशन है, इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, लेकिन सबको समझ में आएगा, धीरे धीरे चलेंगे इसके बारीकियों को समझिए ताकि आपको मजा आए पढ़ने में। ठीक है, सो इट इज अ टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ इन अ, रिपीट्स इटसेल्फ इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। ठीक है, यानी कि इसका जो मोशन होता है एक फिक्स पीरियड के टाइम पे अपने मोशन को रिपीट करता है, वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन, जो एक निश्चित समय के बाद अपना मोशन फिर से दोबारा रिपीट करे, वैसे मोशन को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, ओके, चलिए अब देखते हैं पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन में कौन कौन सा मोशन आता है। ठीक है, तो देखते हैं, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जिसका आंसर क्या होता है? जीरो। तो मान लीजिए सेंटर है और यहां पे एक पार्टिकल है पी, एक पार्टिकल है पी, तो अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इसका ओमेगा कांस्टेंट होगा, मतलब अल्फा क्या होगा? जीरो। हम लोग पहले ही पढ़ चुके दोस्तों ये सारी बातें। ठीक है, तो ये एक निश्चित समय के बाद यहां पे आता है, तो क्या एक पीरियोडिक मोशन है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और ये कितने देर में अपना पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेता है? तो उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड टी। अब मान लो ये कंप्लीट करता है वी में, वी स्पीड से, और वी स्पीड से इसको कितना टोटल टाइम लगा? मान लीजिए ये है आर, तो व्हाट इज द टाइम पीरियड? टोटल डिस्टेंस दैट इज दिस वन, दैट इज 2 पाई आर, और अपॉन 2 पाई आर अपॉन इसका वेलोसिटी, ये दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसके बारीकियों को समझिए, व्हाट इज टाइम पीरियड? सो जितने समय में आपने पूरा साइकिल कंप्लीट किया उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड, टाइम पीरियड।
टाइम के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, टाइम हम एक बार कराएंगे सारी बातें, उसके बाद हम फिर से ये सब फिर एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। टाइम इन विच पार्टिकल कंप्लीट्स इट्स साइकिल, ओके। चलिए बहुत अच्छा, तो ये कैसा मोशन हुआ, ये हुआ पीरियोडिक मोशन। कैसा मोशन हुआ, पीरियोडिक मोशन, ओके, बहुत अच्छी बात। दोस्तों हम लोग और भी बहुत सारी चीज जानते हैं, ऑसिलेटरी मोशन जानते हैं, एक धागा होता है जिसको यहां फिक्स करते हैं, मान लो इसका लेंथ l है, ठीक है, तो ये इधर से इधर जाता है, ठीक है, इधर से इधर गया और इधर से इधर आया, ठीक है, तो निश्चित टाइम पे आता है, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, यहां से यहां गया फिर यहां से यहां आया, तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, जिसको जो होता है 2 पाई और रूट अंडर l / g, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, ये होता है ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। दूसरी बात, इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां अगर ये चल रहा है, मेरे पास समझिएगा, अगर यहां से यहां तक चल रहा है तो इसमें कोई भी एनर्जी का लॉसेस नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके टाइम घट जाएगा, घटते 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 फिर जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा मान के चलेंगे विदाउट दैट बीम, चलिए क्या चलते हैं सर, विदाउट डैम्पिंग। अच्छा, डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, फ्रिक्शन। हम लोग अभी जो भी, यही हमारा आइडियोलॉजी है, यही हमारा आइडियल कंडीशन मानी है कि हमारे सिस्टम में फ्रिक्शन कहीं से भी नहीं है। हालांकि आपको फ्रिक्शन के साथ, देखिए जे एडवांस के सिलेबस में आपको ऑसिलेशन विदाउट डैम्पिंग पढ़ना है, बट जे मेन में डैम्पिंग का थोड़ा बहुत एस्पेक्ट जानना चाहिए आपको, क्योंकि सवाल उससे भी थोड़े बहुत आते हैं, तो वो हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोगों के साथ यही आइडियोलॉजी चलेगा, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पे, क्या ये यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां गया, ठीक है, क्या फिर उसके एक निश्चित समय पर फिर ये ऐसे आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा, यस, तो क्या ये भी एक पीरियडिक मोशन है, आंसर है हाँ, आंसर है हाँ। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, व्हाट इज ऑसिलेटरी मोशन, जो टू एंड फ्रो करता है, ये टू एंड फ्रो, यानी ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से यहां गया फिर यहां से वापस आया, तो अपने मीन पोजीशन के अबाउट प्लस भी गया माइनस भी गया, जो अपने डायरेक्शंस को अल्टरनेट करे उसको बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन, जो टू एंड फ्रो चले, ठीक है ना। ऑसिलेशन का बेसिकली मतलब होता है टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर ऐसे ऐसे। तो क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है हां। क्या ये पीरियडिक मोशन है, आंसर है हां। क्या ये पीरियडिक मोशन है, आंसर है हां। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है हां। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है नहीं। ये ऑसिलेटरी मोशन नहीं है, ये अपने आप ऐसे ऐसे प्लस माइनस नहीं कर रहा है, डायरेक्ट चल रहा है बस ऐसे ऐसे, लेकिन ये क्या कर रहा है, इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, ये ऑसिलेटरी मोशन है। आई बस समझ में, क्या ये पीरियडिक मोशन है, आंसर है। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है नहीं। क्या ये पीरियडिक मोशन है, हां। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन भी है, आंसर है हां, टू एंड फ्रो चल रहा है। आई बस समझ में, अच्छा आई बस समझ में, ओके, बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों को दोस्तों ये नहीं पढ़ता, हम लोगों को अब ये नहीं पढ़ना, हालांकि इसकी मदद लेनी है आगे, बट अब हम लोगों को ये सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ना है, ऑसिलेटरी मोशन, उसमें भी अजम्पशंस है। तो क्या अजम्पशन है, कैसे चलता है वो हम देखते हैं, ठीक है ना। क्या ये पीरियडिक मोशन है, आंसर है हां। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है नहीं। क्या ये पीरियडिक मोशन है, आंसर है हां। क्या निश्चित समय पर रिपीट कर रहा है, आंसर है हां। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है, आंसर है हां। आई बस समझ में, ओके। अच्छा, तो यहां देखिए, यहां ये ऐसे है, ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये कैसा मोशन हुआ, ऑसिलेटरी मोशन। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इधर जा रहा है,
जब ये वेलोसिटी इधर था, इसका एक्सेलरेशन किस तरफ था? नीचे की तरफ। यानी कि वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन किधर है? इस तरफ। मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहां देखिए, जैसे हम बात करें कि यहां से अगर ये यहां गया तो जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्या वो mg है? आंसर है। और अगर ये थीटा है, ध्यान से समझिए, कोई खास बात नहीं कर रहा है, ठीक है, आराम से समझिए। ये तो अगर ये थीटा है, ये भी थीटा है, तो क्या ये mg cos थीटा है और ये क्या mg sin थीटा है? आंसर है हां। और ये क्या टेंशन है? आंसर है हां। ये इसको क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में ले आएगा। और धागा इधर उधर नहीं हो रहा है, ये वाला इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये फोर्स क्या कर रहा है? इसको इधर खींच रहा है। अगर ये फोर्स इधर खींच रहा है, तो मान लीजिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। लेकिन इसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। तो क्या इसका वेलोसिटी जीरो होगा? आंसर है हां, बिल्कुल। क्योंकि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है? घटता है। वेलोसिटी क्या होता है? घटता है, है ना? और वेलोसिटी एक्सेलरेशन एक डायरेक्शन में होगा, तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। हम दोनों चीज यहां पर देखेंगे। अगर हम इसको यहां से यहां किए, तो क्या वेलोसिटी क्या था और एक्सेलरेशन क्या था? तो क्या वेलोसिटी घटेगा? आंसर हां सर, घटेगा, बिल्कुल घटेगा। और मान लीजिए अब ये यहां पे एक्सट्रीम पॉइंट, जहां तक इसको जाना था वहां तक ये चला गया, ठीक है, उसके बाद ये लौटा, उसके बाद क्या के लिए लौटा, उसके बाद क्या के लिए लौटा, मतलब अब यहां से ये, अब यहां पे वेलोसिटी क्या होगा? जीरो। अब ये क्या करेगा? लौटेगा। जब यहां से लौटेगा, तो अब जो इसका वेलोसिटी होगा क्या होगा? इस डायरेक्शन में। और क्या इसका एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है? आंसर हां। तो क्या यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ेगा? आंसर हां बढ़ेगा। और मैक्सिमम कब होगा? तो जब यहां पर पहुंचेगा, ठीक। लेकिन जैसे ही वो यहां से यहां आएगा, अब इसका वेलोसिटी इस तरफ हो जाएगा और फिर से इसका एक्सेलरेशन किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ। फिर वेलोसिटी से दूसरे का पहुंच गया, तो फिर कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा और फिर वेलोसिटी जीरो के फिर अपनी तरफ आएगा, है ना? इसमें एक चीज हमको समझ में आया कि जो एक्सेलरेशन किस तरफ है, यानी कि अगर मूवमेंट को ये पॉजिटिव ले ले, तो ये वाला क्या होगा? नेगेटिव, ठीक है। तो अगर हम इधर चल रहे हैं, तो फोर्स किस तरफ है? इस तरफ। तो फोर्स किस तरफ है? इस तरफ, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। क्या हर समय यहां भी फोर्स इस डायरेक्शन में था? क्या यहां भी फोर्स इस डायरेक्शन में था? आंसर है हां। तो फोर्स हमेशा नेगेटिव डायरेक्शन में होगा जब x पॉजिटिव होगा। मैंने इसको इधर के लिए, जब हम इसको ऐसे किए, जब हम इसको इधर किए, तो मेरा डायरेक्शन पॉजिटिव था, तो फोर्स किधर लगा? नेगेटिव की तरफ। फोर्स किधर लगा? नेगेटिव की तरफ। लेकिन जब हम इसको इस तरफ किए, तो थीटा कैसा होगा? जब इसको इस तरफ किए, तो थीटा कैसा, डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? नेगेटिव। लेकिन फोर्स किस तरफ हुआ? पॉजिटिव। तो यानी कि जब x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट जब पॉजिटिव होगा, तो फोर्स कैसा था? नेगेटिव। जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, तो फोर्स कैसा लगा? पॉजिटिव। इसमें कहीं से कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसा होने वाला है, मतलब वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन पे लगने वाला है फोर्स। ये बात आप समझ लें, आप जिस भी तरफ आप डिस्प्लेस करोगे, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलने वाला है, ठीक है। मतलब डिस्प्लेसमेंट से वो नेगेटिव चलेगा, सबसे पहली बात। बातें आई समझ में आता? चलिए अच्छी बात। ये क्या हो रहा था? ऑसिलेशन। क्या ये पीरियडिक मोशन था? आंसर है हां। क्या ये पीरियडिक मोशन था? आंसर है हां। क्या ये पीरियडिक मोशन था? आंसर है क्या ये पीरियडिक मोशन था? आंसर है नहीं। हमको ये पढ़ रहा है क्या? आंसर नहीं, ये तो पढ़ चुके हैं। ये सर्कुलर मोशन था। अगर ये यूनिफॉर्म है, इसके पास एक ही एक्सेलरेशन आएगा, इसका अल्फा जीरो होगा और ये ए आर वगैरह भी इस पर भी है। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले कई सारे काम कर चुके हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ये बात। उसमें भी एक अंश है, बताइए, ठीक है, तो हम इसको रख करते हैं। समझ में आ रहा है? ओके। अब देखिए, अब अगर ऐसी बात है, तो इसका मैथमेटिक्स क्या होगा? सर देखिए, हर चीज का एक मैथमेटिक्स था। आपने बताया लीनियर मोशन का मैथमेटिक्स था, सर्कुलर मोशन का मैथमेटिक्स था, तो यानी कि इसका भी कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स होगा। इसका आंसर हां बिल्कुल होगा। तो देखिए, जनरल ऑसिलेटरी, जनरल इक्वेशन फॉर
क्या होता है? That is given by, जो simplistic form में कोई भी equation को अगर हम represent करते हैं, ठीक है, कोई भी, तो वो polynomial के form में हम ये represent करते हैं, ठीक है ना, polynomial function के तरीके से हम उसको represent करते हैं, कोई भी function, अगर mathematics में जो सबसे simple function है, वो कौन सा function है? Polynomial function, ठीक है, x to the power n, जैसे वो कैसा एक्सप्रेशन है, ऐसा अल्फा x टू द पावर n प्लस बीटा x टू द पावर n माइनस 1 प्लस गामा x टू द पावर n माइनस 2 और ऐसे करके चलता है। तो किस जज में आपको एक बात बताऊं, अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो तो अपने सारे मोशन को एक मैथमेटिकल टर्म में आपको कन्वर्ट करना होता है, सारे मोशन को, अपने लीनियर मोशन को क्या पढ़ के बस समझ आता है, इसका मैथमेटिक्स नहीं था, मैथमेटिक्स नहीं था तभी तो हम उसको ऑपरेट नहीं कर पा रहे थे, फिर उसका सर्कुलर मोशन पढ़े, फिर हम उसको ऑपरेट किए, उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे लेके आए, उसी तरह ऑसिलेटरी मोशन का भी अपना एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसका इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो सिंपलिस्टिक फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस इक्वेशन से, ठीक है, तो इसका जो जनरल ऑसिलेटरी जनरल इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी इक्वेशन जो दिया जाता है वो कुछ ऐसा है, माइनस के एक्स टू द पावर एन, माइनस के एक्स टू द पावर एन, ठीक है, जिसमें कि n का वैल्यू जो है 1, 3, 5 डॉट डॉट ऐसा होगा, ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, नेट फोर्स। अब ये माइनस क्यों है, क्योंकि मैंने आपको ये x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट, और ये k क्या है, फोर्स कांस्टेंट, k को बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, या इसको स्टिफनेस कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि स्प्रिंग, अब यहां पे ये सब समझ में आ जाएगा, आगे चलोगे ना तो मैं इसको रिलेट कर दूंगा स्प्रिंग स्प्रिंग कांस्टेंट से, हमारे केस में दोनों बराबर होते हैं, बट ये फोर्स कांस्टेंट अलग है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग है, वो संयोग होता है कि दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो k बराबर क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट, x बराबर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, अब ये ऐसे एक्सप्रेशन क्या उस इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लेते हैं, मान लीजिए x पॉजिटिव हुआ, मान लीजिए कि x पॉजिटिव हुआ तो ये कैसा आएगा, अगर ये x पॉजिटिव हुआ मान लीजिए वो 1, x अगर पॉजिटिव है तो ये तो नेगेटिव होगा, तो होना भी तो चाहिए, अगर x पॉजिटिव होता तो फोर्स कैसा आ रहा था, नेगेटिव, अगर समझिए x अगर नेगेटिव होता, मान लीजिए n 1 है और x नेगेटिव है, ये नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, देखिए अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन जा रहा है तो फोर्स कैसा हो जाता है, पॉजिटिव, तो ये एक्सप्रेशन ये कौन सा इक्वेशन है, ये जनरल इक्वेशन है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, ये जनरल मोशन है किसका, ऑसिलेटरी मोशन का, ये बात, ठीक है, क्या ये इसको सेटिस्फाई करेगा, आंसर बिल्कुल करेगा। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए हम लोग को पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो हार्मोनिक मोशन भी तो आ गया, ये जब ऑसिलेटरी मोशन पे लेके आ गया तो क्या ये हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक मतलब कुछ नहीं होता है, हार्मोनिक मतलब वही बात है निश्चित समय के बाद रिपीट करना, उसी को हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, कोई भी मोशन जो निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा है उसको हार्मोनिक मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन मतलब एक ऑसिलेटरी मोशन मतलब ऐसा पीरियोडिक मोशन जो ऑसिलेशन करता हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हार्मोनिक मोशन, क्या बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन, मतलब फिर सुन लीजिए, एक पार्टिकल अगर वो ऑसिलेशन कर रहा है, ठीक है ना, तो क्या वो निश्चित समय के बाद रिपीट कर रहा है, क्या हार्मोनिक्स में चल रहा है वो, हार्मोनिक्स का मतलब होता है एक पीरियड के बाद रिपीट करना, ठीक है ना, तो क्या ये रिपीट कर रहा है, आंसर है हाँ, क्या ये ऑसिलेशन है, आंसर है हाँ, तो ये कैसा मोशन हो गया, हार्मोनिक मोशन, कैसा मोशन हो गया, हार्मोनिक मोशन, हालांकि मैथमेटिक्स में हार्मोनिक फंक्शन होता है जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है, उसी को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, तो ये भी इसका भी मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, वो इक्वेशन वो भी लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसीलिए उस इक्वेशन को हम लोग हार्मोनिक फंक्शन भी बोल सकते हैं। खैर एनीवे, तो क्या ये मोशन हार्मोनिक मोशन है, आंसर है हां, तो क्या उसका इक्वेशन ये है हार्मोनिक मोशन का, आंसर है हां, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, सिंपल मोशन, तो हार्मोनिक मोशन तो हम लेके चले हैं, अब पढ़ना क्या है, सिंपल, हम लोग कैसा किस पढ़ना है, सिंपल कैसा किस पढ़ना है, सिंपल, तो देखो
फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन फॉर एस एच एम सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एस एच एम के नाम भी डालते हैं एन बराबर वन एन बराबर वन होता है तब जाके मेरा कैसा होता है एन बराबर वन होगा तब हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन अब इसमें आप बताइए कौन सा फंक्शन आसान होगा एन बराबर वन रखना एन बराबर थ्री रखना एन बराबर फाइव रखना तो ऑब्वियस सी बात है कि एन बराबर वन बहुत आसान चीज है और ऐसा कब होगा मैं बताऊं आपको ऐसा समझे अगर इसको हम एक्सपेंड करें तो कुछ ना कुछ ऐसा कहानी आएगा माइनस एक्स माइनस आगे की तरफ माइनस के एक्स टू पावर क्यू या फिर केवल के टू कर लीजिए केवल के टू एक्स टू पावर फाइव ये ऐसा चलेगा तो अभी हमको चाहिए क्या एन बराबर वन एन बराबर वन कब होगा तो वो तब होगा when x is very small so when x is small small then higher powers can be neglected तो अगर हम higher powers पे चले तो अगर ATX छोटा है तो छोटा का power क्या होता है और छोटा और फिर उसका पावर बढ़ता चला जा रहा है तो अगर पावर बढ़ता चला जा रहा है तो ये सारे टर्म क्या हो जाएंगे नेगेटिव जीरो तो मेरे पास बचे क्या क्या f बराबर माइनस kx यही है आपका दोस्तों और ये कौन सा फोर्स है नेट फोर्स कौन सा फोर्स है नेट फोर्स यही है दोस्तों आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन तो वैसा अब समझिए बात को तो वैसा हार्मोनिक मोशन जिसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो उसको क्या बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अब इसको मैथमेटिक्स से समझे तो हार्मोनिक मोशन तो ये है अब इसमें सिंपल क्या है तो मैंने एन बराबर वन ले लिया वही सिंपल है वो मैंने एक्सप्रेशन को क्या कर दिया सिंपल कर दिया इसलिए उसको क्या नाम दिए सिंपल हार्मोनिक मोशन आई बात समझ में तो अब से जो हम लोग पढ़ेंगे सिंपल अब जो भी एक्सप्रेशन आगे पढ़ेंगे वो मेरा एफ नेट अगर इस फॉर्म में आ जाए अगर पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है अगर वो इस टाइप का फोर्स लग रहा है तो वो कैसा मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरीके से हम लीनियर मोशन में इक्वेशन देख के समझ जाते हैं जिस तरीके से सर्कुलर मोशन में इक्वेशन देख के समझ जाते हैं उस तरह किसी भी मोशन में अगर इस टाइप के फोर्स लग रहे हैं तो उसको भी देख के हम समझ जाएंगे कि किस टाइप का मोशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन आई बात समझ में ये है आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन अब मेरी बात सुनो ध्यान से एक ऑसिलेटरी मोशन क्या एक हार्मोनिक मोशन है आंसर है हाँ क्या वो पीरियोडिक मोशन है आंसर है हाँ क्या वो सिंपल हार्मोनिक है इट मे बी और मे नॉट बी एक जनरल ऑसिलेटरी मोशन है क्या वो पीरियोडिक मोशन है आंसर है हाँ क्या वो ऑसिलेटरी मोशन है आंसर है हाँ क्या वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो होगा कब जब उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा होगा आई बात समझ में तो हमारे डिस्प्लेसमेंट जो बहुत छोटा होगा उस केस में एफ नेट बराबर माइनस के एक्स ठीक है ना दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम फॉर नेट फोर्स ये नेट फोर्स का इक्वेशन है आई बात समझ में इसको लिख लीजिए अच्छे से इसे एक एक बात समझ जाना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन इसको क्यों बोलते हैं ये वजह है ओके सो दोस्तों अब हम लोग जो ओवरव्यू देख लेते हैं इसका कि हम लोग के पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ठीक है क्या ये पीरियोडिक मोशन है आंसर है क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है आंसर है नहीं क्या ये एसएचएम है आंसर है नहीं ठीक है अच्छा इसमें कोई
एग्जांपल बताइए तो। अरे भाई जनरली वो धरती जो घूमता है सूर्य की तरफ चारों तरफ, पीरियोडिक मोशन एक निश्चित समय के बाद 365 दिन के बाद पूरा घूम लेता है सूर्य के चारों तरफ, पीरियोडिक मोशन। उसका टाइम पीरियड कितना हुआ? 365 दिन। ठीक है ना, ये ऑसिलेटरी मोशन। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? इधर से मिल जाएगा और फिर इधर से जाएगा। क्या ये पीरियोडिक मोशन है? आंसर है हाँ। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? आंसर है हाँ। क्या ये एसएचएम है? हम यहां आपको बोल दे रहे हैं ये फिर इज थीटा, थीटा इज लार्ज। क्या ये एसएचएम है? अगर हम यहां पे गए, अभी आते हैं ऑसिलेटरी मोशन में। ऑसिलेटरी मोशन अगेन एंड अगेन इट इज नाउ लाइक दिस। इधर मूव किया गया थीटा, नाउ थीटा इज स्मॉल। स्मॉल कितना? 2 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री तक चलेगा। ठीक है स्मॉल। अब क्या ये पीरियोडिक मोशन है? आंसर है हाँ। क्या ये ऑसिलेटरी मोशन है? आंसर है हाँ। क्या ये एसएचएम है? आंसर है हाँ। अब है ठीक है, इसके जो इक्वेशंस थे वो क्या थे? v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा, और एक्सीलरेशन का इक्वेशन क्या था? ये r अल्फा। ठीक है, इसमें क्या था? f बराबर माइनस इसकी बात करें मैग्नीट्यूड की x टू द पावर n। ठीक है, एंड n बराबर 1, 3, 5 लाइक दिस। ठीक है, और यहां पे इक्वेशन क्या बना है? n बराबर माइनस x, ये टर्म नो देगा। व्हाई इट इज माइनस? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट क्यों हमेशा उल्टा रहता है। आई बस समझ में? और ये कौन सा फोर्स है? नेट फोर्स। अगर वही फोर्स इक्वेशन यहां पे देखें तो क्या होता था? F net बराबर याद होगा आपको दोस्तों, F net किस डायरेक्शन में होता था? F net, और वो F net कितना होता था? इसका मास अगर m है, इसका होता था m b square by r। ठीक है, तो अगर एक्सप्रेशन ऐसा है, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन ऐसा है तो वो कैसा रिलेशन है? याद है आपको पढ़े थे ये, अगर अगर वेक्टर के साथ आपको देख रहा है यहां पे माइनस er ऐड होता था, माइनस er मतलब रेडियस अपोजिट टुवर्ड द सेंटर दिखाने के लिए। तो अगर फोर्स ऐसा है तो कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म सर प्रमोशन। अगर फोर्स ऐसा है तो कौन सा सर प्रमोशन? ऑसिलेटरी मोशन। अगर फोर्स का इक्वेशन ऐसा है तो कैसा है मोशन? एसएचएम। ठीक है, वो पढ़ लिए आंसर है हाँ, ये पढ़ लिया, हमको पढ़ना ही नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको ये पढ़ना है क्या? आंसर है हाँ। अब हमारा सारा का सारा ध्यान किधर होना चाहिए? ठीक है, अगर इसके एक्सेप्ट, अगर मान लीजिए इसके पास मास एम है, F net बराबर minus kx। अच्छा F net बराबर क्या होता है? m into a। अरे Newton's ये second law of MLM पढ़े हो ना? Second law of Newton's, Newton's second law motion से net force बराबर m into a होता है ना? तो वहाँ m into a कर लीजिए, m into a बराबर minus kx। तो अगर a की बात करें तो क्या हो जाएगा? minus k upon m और ये x। ठीक है, बातें समझ में? आप एक बात और समझ लीजिए, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर के नाम से जानेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, क्या है नहीं है समझ में आने का, परेशान मत हो। ओमेगा बराबर क्या हो गया? रूट अंडर के बाई एफ। आई बात समझ में? सो अगर हमको फोर्स देख के पहचानना है कि एसएचएम है कि नहीं तो क्या देखेंगे ये? अगर हमको एक्सीलरेशन देख के पहचानना है तो क्या देखेंगे ये? ठीक है, अगर इस टाइप का कोई मोशन है तो वो कैसा मोशन है? एसएचएम। इस टाइप का कोई फोर्स है या इस टाइप का एक्सीलरेशन तो किस टाइप का मोशन है? एक मिनट, यहां पे ये तो जीरो होगा, तो अल्फा जीरो है। तो कहने का मतलब है अगर ये इस टाइप के अगर एक्सप्रेशन हो
तो हम क्या पढ़ेंगे वो सर्कुलर मोशन जो पढ़ चुके हैं पहले। ये हमको पढ़ना है क्या सर, हमारे सिलेबस में नहीं है, हमको क्या ऑसिलेटरी मोशन में कुछ मान के पढ़ना है, क्या अजम्पशन लेके पढ़ना है, क्या आंसर है हां, क्या अजम्पशन है ये थीटा इज वेरी स्मॉल और उसका फोर्स कैसा आ जाएगा इस तरीके का। तो इस तरह का फोर्स, तो फोर्स और एक्सीलरेशन को देख के क्या हम पहचान सकते हैं कि वो एक्सीलरेशन है कि नहीं है? आंसर हां बिल्कुल पहचान सकते हैं, अब पहचान सकते हैं। अगर a माइनस में x पर x आ जाए या अगर f नेट पर माइनस के x आ जाए तो हम समझ जाएंगे कि वो एक्सीलरेशन है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। बस हमको यही पकड़ना होता है पूरे किसी भी टाइप के मोशन को एनालिसिस करें, ठीक है, अगर उसका नेट फोर्स इस तरीके में आ जाए तो समझ लो कि वो ऐसे चले। आइए समझ में, ठीक है, तो डाइजेस्ट करें इन बातों को। तो अब हमारा जो सारा ध्यान होगा वो इसमें होगा, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसकी स्टडी करेंगे। ये यहां तक इसलिए ले गया है क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमको खासा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, और इसमें f एक्सटर्नल
ठीक है। तो कहने का मतलब फ्री अनडैम्प्ड एसेशन का क्या मतलब होता है, फ्री अनडैम्प्ड एसेशन मतलब फ्री डैम्प्ड एसेशन, डैम्प्ड का मतलब क्या फ्रिक्शन है और उसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो वो कौन सा होगा फ्री। उस अब एक सिस्टम में फ्रिक्शन नहीं है, सॉरी फ्रिक्शन है और एक्सटर्नल फोर्स भी है, उसको क्या बोलेंगे फोर्स डैम्प्ड एसेशन। मुख्य रूप से यही चार प्रकार के होते हैं। हमको जो अपना फोकस रखना है वो रखना है इस पे, ज्यादातर बात हम इसी की करेंगे, ठीक है। हमारे सिलेबस में सबसे ज्यादा इसी पे फोकस किया गया है, ठीक है। कुछ कुछ बातें हम इसके लिए आपको बता देंगे, आप घबराए ना, लास्ट में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो आपको थोड़ा बहुत हम आपको हिंट कर देंगे, ठीक है। बट बेसिकली हमको यही पढ़ना है, आइए समझ में, इसका ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत अच्छी बात, तो इसको लिख लीजिए। अच्छा अब हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, ये एक बात आप ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि देखिए एसेंशियल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा इसका एरिया है, तो हमको अपना डोमेन पता होना चाहिए कहां तक पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी देर बाद आपसे बात करते हैं, कुछ और समझ लीजिए। खैर ये सब हो गया आपका, हम लोग का फोकस अब इस पर होना होने वाला है, ठीक है। चलिए तो जो SHM आपने पढ़ा, SHM उसका F नेट क्या होगा, था F नेट बराबर माइनस kx, F नेट बराबर माइनस kx, ठीक है। और एक्सेलरेशन कैसा होता था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। डायरेक्शन की चर्चा हम लोग अपने मन से कर लेंगे क्योंकि हमको पता होता है किस डायरेक्शन में हम, ठीक है ना। इसका एक एग्जांपल अगर देखा जाए, अगर इसका एक एग्जांपल देखा जाए तो क्या है, जैसे मान लीजिए स्प्रिंग, ठीक है, मान लीजिए इस पार्टिकल का मास m है और इस स्प्रिंग का ये k, ठीक, ये नेचुरल लेंथ पे है अभी, तो ये x बराबर 0 है, ये नेचुरल लेंथ, ठीक है। और इसी को बोलेंगे मीन पोजीशन, ये कैसा पोजीशन है दोस्तों, मीन पोजीशन, ठीक है। इसको हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया ये यहां, ये यहां, यहां से आता है इसको डिस्प्लेसमेंट दिया, और ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है। सब नोमेनक्लेचर्स आपको याद होना चाहिए, आप बिल्कुल भी घबराए ना, ये बिल्कुल भी हार्ड टॉपिक नहीं है, खाली समझ में आना चाहिए, ठीक है। बहुत बच्चों को मैंने सुना है कि बहुत हार्ड लगता है, बट ऐसा हार्ड नहीं है, ठीक है। ये मीन पोजीशन है, इसको डिस्प्लेस कराया मैंने ऐसे, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन दिख रही है, आपको पता है कि ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये क्या होगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव है नेगेटिव, ध्यान रखना इस बात को, ओके। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कैसा पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर ये यहां से यहां गया, अगर ये यहां से यहां जा रहा था तो वेलोसिटी किधर था, इधर, और एक्सीलरेशन किधर था, इधर। इस पॉइंट पे क्या हो गया, वेलोसिटी जीरो, ठीक है। लेकिन क्या इसका एक्सीलरेशन जीरो हो गया होगा, आंसर है नहीं, आंसर बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। यानी कि यहां पे बी जीरो है, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ए, दैट इज एम्प्लीट्यूड, एम्प्लीट्यूड क्या है, डिस्टेंस बिटवीन मीन पोजीशन एंड एक्सट्रीम पोजीशन, याद रखिए बात, ठीक है। अच्छा यहां से यहां तक जब इसको ऐसे डिस्प्लेस किए तो इसको कुछ ना कुछ वेलोसिटी हमने दिया होगा, मान लीजिए हमने ऐसे इसको ऐसे कर दिया, तो इसको एक क्या मिला, एनर्जी मिला, मतलब यहां से एक हमने इसको डिस्प्लेस करा वी वेलोसिटी से, ठीक। अब ये यहां से यहां जाते जाते ये वेलोसिटी इधर था और एक्सीलरेशन किधर था, क्योंकि स्प्रिंग जब इसको ऐसे किए तो स्प्रिंग कैसा फोर्स दे रहा है, खींच रहा है पीछे, कैसा दे रहा है पीछे, इसको पीछे की तरफ खींच रहा है, खींचा खींचा, तो इसका एक्सीलरेशन किस तरफ था, इस तरफ, किस तरफ था, इस तरफ। तो ये बी इधर है और ये ए इधर, तो कभी ना कभी जीरो होगा, आंसर हां हो गया, ठीक। क्या एक्सीलरेशन जीरो, आंसर नहीं सर, इसका एक्सेलरेशन का जो इक्वेशन आपने पढ़ाया था तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, आंसर है ना। तो ये एक्स यहां पे कितना है, जीरो, यहां पे कितना है ए,
तो यहां पे एक्सीलरेशन कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। बात समझ में? तो यहां पे आपने लिखे यहां एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, वेलोसिटी जीरो है। अब यहां से क्या ये आप लाना छोड़ दिया? आंसर नहीं, स्प्रिंग तो लंबा है वो तो खींच लेगा इसको, तो खींचा स्प्रिंग, इसको खींचा। अब जब स्प्रिंग खींचा तो अब वेलोसिटी जीरो है और एक्सीलरेशन इस तरफ है, तो अब यहां से जब वो यहां आएगा तो वेलोसिटी भी इस तरफ एक्सीलरेशन भी इस तरफ, तो क्या उसका वेलोसिटी बढ़ेगा? आंसर बिल्कुल बढ़ेगा, तो वो यहां से यहां तक आया तो कितना वेलोसिटी होगा? तो आंसर है यहां पे इस जगह पे टोटल का टोटल एनर्जी किसको बदल गया है? पोटेंशियल एनर्जी में, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा फिर यहां से यहां तक आया, अच्छा इसमें फ्रिक्शन क्या है? जीरो। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड हम लोग का जो ए है वो कैसा है? अनडैम्प्ड, अनडैम्प्ड और फ्री, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। यहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, हमने बस ये पंच को हिट करा था, हिट किए ये उधर गया फिर उधर से इधर आया। अब जब इधर से इधर आया तो वेलोसिटी भी तरफ एक्सटर्नल इस तरफ, और यहां टोटल एनर्जी किसको बदल गया? यानी कि यहां जब हमने एनर्जी दिया बी इंपल्स ऐसे मार दिए तो किसको एनर्जी मिला? यहां पे एनर्जी कितना है? तो काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में आ जाती है हाफ एमवी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा ये। उसके जब इसको इधर से इधर गया तो ये किस फॉर्म में बदल गया? हाफ के ए स्क्वायर बदल गया। और जब ये यहां से यहां आया फिर किसको बदल गया? फिर काइनेटिक एनर्जी बदल गया। तो बीच में कैसा था? दोनों, थोड़ा सा स्प्रिंग भी लंबा था और थोड़ा उसके पास वेलोसिटी भी था, लेकिन जब ये यहां से यहां आया तो वो किसको बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहां पे रुक जाएगा क्या? आंसर नहीं, इसके बाद वेलोसिटी है, हां लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ इधर है, वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ इधर है। तो क्या इधर इधर जाएगा? आंसर हां, अब मोशन इधर होगा। इधर भी जब मोशन किस तरफ है, यानी कि वेलोसिटी किस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ, एक्सीलरेशन किस तरफ है? इस तरफ। अब तो इसको इधर कीजिएगा क्योंकि ये स्प्रिंग को धक्का इधर देने का फोर्स इधर लगेगा इस तरफ, तो फिर भी कहीं नहीं जीरो होगा। तो मान लीजिए वो जीरो वो कहीं ना कहीं यहीं पे हो गया, मान लीजिए अगर यहां पे हो गया तो वेलोसिटी क्या हो गया? ये एक्सट्रीम हो गया, अगेन ये एक्सट्रीम हो गया, ठीक है। यहां वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। तो एक्सीलरेशन जीरो है क्या? आंसर नहीं, एक्सीलरेशन फिर जीरो नहीं है। एक्सीलरेशन अभी अभी कितना है? ओमेगा स्क्वायर इस तरह। आई बात समझ में? तो फिर ये रुक जाएगा क्या? आंसर नहीं सर, जीरो तो हो गया लेकिन अब स्प्रिंग धक्का नहीं देगा क्या? हाँ देगा, तो अब उससे जाएगा इधर। हाँ सर, तो यानी कि फिर यहां जाएगा सर, फिर इसके पास इनर्शिया है, फिर इसके पास वेलोसिटी है, रुकेगा थोड़ी ना वो, इनर्शिया की वजह से तो दूर जाएगा, दूर गया फिर इसको स्प्रिंग रोक लिया आप, फिर वहां से यहां आया, फिर वेलोसिटी आ गया, फिर चलना शुरू कर दिया, फिर उसको फोर्स लगा इस तरफ, फिर रोक दिया। तो सर ये हमेशा ऐसे ही करता रहेगा सर, ये हमेशा ही ऐसे ही करता रहेगा सर, लेकिन रियल सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है। तो रियल सिचुएशन में फ्रिक्शन भी कहां जीरो होता है? आई बात समझ में? अगर फ्रिक्शन जीरो है तो ये रेगुलरली ऐसे ऐसे करता रहेगा। क्यों करता रहेगा? क्योंकि उसका एनर्जी जो उसको मिला है वो कहीं खर्च कर ही नहीं पा रहा है। उसका जो एनर्जी मिला है वो कहीं खर्च कर ही नहीं पा रहा है, वो हमेशा उसके पास है। दोस्तों मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था और आपको बेसिकली समझाया था कंजर्वेटिव फोर्स फिजिकली, इसका मतलब ये है कि वैसा फोर्स जो अपने किए गए कार्य को पोटेंशियल एनर्जी में रखने की क्षमता रखता है, वैसे फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो क्या यहां पे कंजर्वेटिव फोर्स है? आंसर हां, स्प्रिंग फोर्स तो सर कंजर्वेटिव फोर्स है बिल्कुल। तो क्या वो अपने यहां से यहां तक किए गए कार्य को स्टोर कर लिया? हां, किस फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, मोर स्पेसिफिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो रख लिया। तो जब मौका मिलेगा तो वो देगा भी क्या? आंसर है हाँ, वो यहां से छोड़ यहां यहां पे आके यहां पर पकड़ लिए क्या? आंसर नहीं, वो छुटा हुआ अपने आप से कर रहा है। तो मौका है इसको इधर जाने का, आया इधर, जब वो इधर आया तो यहां पे वेलोसिटी था। अब क्या जाते जाते कहीं से रुक जाएगा कि थोड़ा जाते जाते रुकेगा?
inertia, if a body is in motion, wants to remain in motion, if a body is in rest, wants to remain in rest. पढ़ा है ना first law. तो जब यहाँ से यहाँ तक क्या था velocity था, तो velocity उसको ये कहीं से रुकने भी नहीं देगा, यानी कि वो इसको इधर चला देगा. जब इसको इधर चला देगा तो फिर से स्प्रिंग दब गया और वो भी ए के बराबर है. फिर से स्प्रिंग दब गया, जब फिर से स्प्रिंग दब गया तो फिर से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या फिर से वो इसके अंदर फिर से आ चला है? हाँ, तो फिर से उधर उधर जाएगा फिर. हाँ, और बार बार ऐसे ऐसे करते चलेगा. तो ये जस्ट एक एग्जांपल है आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का. मैंने बस आपको एक एग्जांपल दिखाया इससे, ठीक है. अगर इसमें हम बात करें, इसमें नेट फोर्स क्या है, स्प्रिंग का नेट फोर्स क्या होता है बच्चों? माइनस केएक्स, माइनस केएक्स. अब ये के क्या है, ये के क्या है? स्टिफनेस कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट. पढ़ा होगा आपने, इस के को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस कांस्टेंट. ठीक है, अब आप क्या करिए, इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कीजिए, क्योंकि एसटी में इक्वेशन तो ये है ना. इससे जब कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि फॉर दिस मोशन, कौन सा मोशन, इस मोशन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट, कांस्टेंट बराबर फोर्स कांस्टेंट. जो स्प्रिंग का कांस्टेंट होगा वही इसका फोर्स कांस्टेंट भी होगा. बातें समझ गए आपके? ये कंडीशन है इसका. आई बात समझ में? तो स्प्रिंग के लिए कहानी कुछ ऐसा होता है, बाकी और सब मोशन के लिए उनको निकालना पड़ता है. इस बात को समझ कर नोट कर लीजिए इसको. उसके बाद हम आते हैं फिर से आपको एक मोशन को लेकर समझाएंगे, ठीक है. पहले इसके थोड़े एक उसको देखते हैं मैथमेटिक्स, यानी कि अगर कोई सिस्टम है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स ऑफ सिस्टम हम वहीं से पकड़ते हैं जो हमारा ओरिजिनेशन था, ठीक है. यहां ओमेगा स्क्वायर क्या था दोस्तों? के बाय एम. याद रखिएगा ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट. एम क्या है? मास, ठीक. चलिए इसका मैथमेटिक्स देखते हैं. मतलब हमको ये समझ में आया कि a बराबर अगर माइनस ओमेगा स्क्वायर x हो जाए, अगर ऐसा किसी मोशन में अगर कोई एक्सेलरेशन इस फॉरवर्ड में है तो वो कौन सा मोशन है? sh. कौन सा मोशन है? sh. अच्छा दोस्तों, ये किस टाइप का मोशन है? मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है क्या? ये किस टाइप का मोशन है? या एक्सेलरेशन वेरिएबल विद टाइम है क्या? या एक्सेलरेशन वेरिएबल विद x है? तो आंसर है एक्सेलरेशन वेरिएबल विद x है सर. तो क्या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, v इज इक्वल टू u प्लस 8t, x इज इक्वल टू 1/2 t स्क्वायर क्या मैं यूज कर सकते हैं? आंसर है बिल्कुल नहीं. गलती से मत यूज कर देना, गलत हो जाएगा, महापाप हो जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है. तो इसको क्या आप पुराने तरीके से लेके आएंगे? आंसर है हां. आपको ध्यान रखना ये क्या होता है. अगर एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv. हां, ये एक्सेलरेशन किसका फंक्शन है? x का. कैसा फंक्शन है? x का. तो एरिया को किस कौन सा कौन सा लिखना चाहिए? x वाला. तो अगर आपको याद हो तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x. तो ये एक्सेलरेशन हमने देखा कि x का फंक्शन है, तो एक्सेलरेशन का जो
डेरिवेटिव फॉर्मिंग होता है जो एक्स वाला फंक्शन वाला वो तो यही होता है। तो हम आप लोग पढ़ चुके हैं ये सारी बातें, हम लोग काइनेमेटिक्स की खूब सारी बातें करते हैं। तो यहां पे क्या आ गया, वी डीवी बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डीएक्स, पहली बात तो ये ठीक। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं कहां से कहां तक, मान लीजिए यू से वी तक है, यू से वी तक है, और ये कहां से कहां तक है, मान लीजिए कि एक्स नॉट से ये एक्स तक है ठीक। चलिए ठीक है, ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई टू यू से लेकर वी तक और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स नॉट से लेकर एक्स तक। ये एक्स नॉट क्या आता है मैं आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए कि एक पार्टिकल है वो यहां पे है, इसका मास m है और ये है आपका x नॉट ठीक है। तो हम लोग तो जनरल इक्वेशन निकाल रहे हैं ना सिस्टम का, तो ये x नॉट पे है, ये at t = 0 यहां पे है ठीक है, और t = t में वो कुछ यहां पे है। ये है x की पोजीशन, आप ध्यान से लो ये x की पोजीशन। हम लोग जनरल की बात करें तो x का रिलेशन चाहिए होगा, ये मान लीजिए x पे है at t = t ठीक है। तो मुझे x चाहिए बेसिकली टाइम के फंक्शन में, आपको समय के साथ समझ आ जाएगा। बेसिकली वो सिनेरियो तो ये है इसका, इसका मास है m, इसका मास क्या है m, यहां जाने पर मास बदल जाएगा। अरे नहीं बेवकूफों, ये मास नहीं बदलेगा, मास है मास नहीं बदलेगा, मास वही रहेगा ओके। यहां देखिए टू से टू कट जाएगा ठीक है, और यहां पे आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ठीक है। अच्छा अब मान लीजिए कि यहां पे t = 0 पे, यहां पे तो t = 0 पे x क्या है x0, तो यहां पे वेलोसिटी क्या है 0, उसके बाद हम यहां से चलिए ये v² जनरल इक्वेशन करते हैं माइनस u² बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x² माइनस x0, पहली बात ये ठीक, बहुत अच्छी। ठीक है ओके बहुत अच्छी बात। तो भाई साहब याद रखिए ये हो गया वी स्क्वायर बराबर, अगर उसको से देखी गए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर और प्लस U ठीक है ना। अब यहां पे जो U है वो तो कांस्टेंट है, वो तो हमने दिया है ठीक है ना। ये V क्या है, ये क्या है x नॉट पे U है, और ये क्या है V, यानी कि यहां पे हमने वेलोसिटी प्रोवाइड करा U, यहां पे तो हमने प्रोवाइड करा ये U, ये तो एक कांस्टेंट है ना, ये सारा टर्म। अच्छा ओमेगा, ओमेगा भी एक कांस्टेंट ही होता है किसी भी, ये देखो ये अगर आप ध्यान से देखो ये जो k होता है, ये k क्या है फोर्स कांस्टेंट, और ये क्या है मास, किसी भी फोर्स कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, ये कांस्टेंट है भाई साहब इसीलिए कांस्टेंट बोलते हैं, और ये मास तो कांस्टेंट होता है एक सिस्टम के लिए, मास नहीं बदलेगा न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मास, ये सब अगर ये दोनों कांस्टेंट तो ये भी तो कांस्टेंट होगा बिल्कुल। और एट टी इज इक्वल टू 0 पे सारे कंडीशन तो हमको पता है, यहां पे x नॉट है और यहां पे t इज इक्वल टू 0 पे यहां पे है और यहां पे इसका u हम प्रोवाइड किए, हम दिए तो हमको तो पता होगा ना कितना दिए हैं ठीक। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये दोनों कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट, इसको सी लिख देते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी ठीक। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा इस बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं रूट अंडर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी, लिख सकते हैं। अच्छा यहां पे ये जो c है इसको c स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ताकि हमारा सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाए, कोई खास बात नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं ये ठीक है। चलिए
यानी क्या होगा इसलिए c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर यानी कि अगर अच्छे फॉर्मेट में लिखे तो ये कुछ ऐसा होता है b दैट इज उसके अंदर c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर ठीक। अब v को क्या लिख सकते हैं d x y dt बराबर c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x पहली बात ये ठीक है। अब इसको करना क्या है तो करना तो कुछ ऐसा है भाई साहब कि dx अपॉन c स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर और ये dt। अब इसको हमको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां तक जीरो से लेकर t तक। देखिए हमको x को टाइम के फंक्शन में निकालना है जीरो से लेकर t तक में और ये x कहां से कहां तक है x नॉट से x तक। पहली बात तो ये इसको लिख लीजिए ढंग से अच्छा। सो दोस्तों अब हमारा फोकस उस इक्वेशन पे होगा थोड़ा सा लेंथियर है बट घबराएगा ठीक है ना आपको इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ठीक है। छोटा सा चीज और देखेंगे देखिए अगर हम ध्यान से देखें कि सारा आप नोट कर चुके होंगे मुझे जो चाहिए वो ये रिलेशन चाहिए सबसे पहला ये रिलेशन यानी कि आपने देखा कि वो रिलेशन कैसा था v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c ये रिलेशन था और इसको हम c स्क्वायर लिख सकते हैं जो कोई खास बात नहीं। ओके अब कांस्टेंट को तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं ना हम है कोई कांस्टेंट जो हमको पता नहीं है तो अपने हिसाब से लिख सकते हैं उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये कर लीजिए। अच्छा ठीक है तो हमको ये बताइए कि आपको क्या पता है आपको पता ये है कि देखिए हमको ना सी निकालना होता है कि सी हमको जानना है कि एक्चुअली है क्या वो सी हमको जानना है कि एक्चुअली है क्या क्या हो सकता है उसका वैल्यू। तो दोस्तों अगर हम एक कंडीशन इसका पर इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन के हेल्प से किसी भी इंटीग्रेशन उसके कांस्टेंट का पता हम लगा सकते हैं ठीक है ना। तो हमको एक चीज पता है देखिए अगर हम x = a पे जाए तो यहां वेलोसिटी कितना हो जाता है जीरो आपको पता ही है पढ़ाया तो अभी थोड़ी देर पहले तो हमको पता है कि at x = a v बराबर जीरो तो पुट कीजिए यहां पुट करेंगे जीरो बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर एंड प्लस c स्क्वायर एंड c स्क्वायर इज व्हाट a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड व्हाट इज c दोस्तों इट इज a ओमेगा ठीक। चलिए एक तो एक ये रिलेशन आया अब उस पे चलेंगे हम लोग उस पे वैल्यू पुट करके सारी बातों को लिखेंगे। अगर ध्यान से देखिए इस c के जगह क्या हम ये पुट कर सकते हैं आंसर है बिल्कुल ये मान लीजिए 1 और ये मान लीजिए 2 ठीक है। सो पुटिंग 2 सॉरी 1 इन 2 वी हैव dx upon a square omega square minus x square omega square बराबर integration dt 0 से लेकर t and it is from x naught to x। पहली बात ये अब क्या करें इसको integrate करना है आप omega बाहर निकाल लीजिए अगर आप omega x में root भी है हाँ ये root भी है आप बाहर निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर निकलेगा रूट के बाहर निकलेगा तो ओमेगा बचेगा तो वो ओमेगा इधर आ गया और ये हो गया आपका इंटीग्रेशन dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर ठीक है एंड दैट इज इक्वल टू t ठीक है दैट इज इक्वल टू t दैट इज t माइनस 0। तो अब हम इसको आगे करते हैं ये देखिए अब इसको हम सॉल्व करेंगे इस ओमेगा को इधर भेज दें बिल्कुल और ये कहां स्टार्ट करेंगे x नॉट से x तक। ये कौन सा फॉर्मेट है दोस्तों ये आपको याद होगा ये साइन इनवर्स का फंक्शन है। तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें तो मुझे पता है आप देख लीजिएगा बुक में ये अवेलेबल होता है x / a
ठीक है, और ये कहां से कहां तक, x नॉट से x, and that is equal to omega times t, ठीक है। सो ये क्या हो गया दोस्तों, that is sin inverse x upon a, x upon a is equal to minus sin inverse x naught upon a, that is equal to omega t, ठीक है। ये हो गया sin inverse x upon a is equal to omega t plus sin inverse x naught upon a। अब दोस्तों एक इक्वेशन का, एक किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का ए भी कांस्टेंट होगा उसका एम्पलीट्यूड, और उसका एक्स नॉट जो हमने दिया था वो भी कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है ना। और दोस्तों ये क्या है बेसिकली, अगर देखो ये क्या है, साइन इनवर्स किसी भी चीज का निकालते हैं तो क्या निकलता है, तो दोस्तों एंगल निकलता है। क्या निकलता है, एंगल। ये कोई ना कोई एंगल ही है, ठीक है, जिसको हम लोग आने वाले समय में फाइ से नोट करेंगे और उसको बोलेंगे फेज कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, फेज कांस्टेंट। तो दोस्तों यहां देख लीजिए, ये हो गया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइ, ये तो फाइ इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट अपॉन ए, एक्स नॉट अपॉन ए and is termed as what, phase constant, phase constant, इसको phase constant के नाम से जानते हैं। इसको और deep में समझेंगे, आप परेशान मत हो, बस हम इसको यहां तक समझ लें कि ऐसा कहानी है, हम इसको और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, बट वो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पहले यहां तक देख लेते हैं, ये क्या हो गया दोस्तों, ये ऊपर से उधर भेजिए, x upon a is equal to sin inverse ओमेगा टी प्लस फाइ, एंड दैट इज एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, सॉरी वो साइन क्रॉस कर दें साइन हो जाएगा, एंड दैट इज, ये है आपका एसएचएल का इक्वेशन, ये है आपका एसएचएल का इक्वेशन। और दूसरी बात, एक चीज और देख लीजिए, आप यहां भी देख सकते हैं एक चीज और, अगर हम सी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे, मतलब इसी क्वेश्चन में अगर इसमें c का वैल्यू पुट कर दें, एक v का रिलेशन होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और c स्क्वायर की जगह क्या डाल देंगे, a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो v आ जाएगा वो आ जाएगा रूट अंडर ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये सारा चीज आपको लिखना है। पहले तो आपको बता दिए, फिर हम बात करते हैं, ये होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम, दिस इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो साइन फंक्शन होता है, वो यही है जो हमको पढ़ना है, लिख लीजिए। सो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, अब हमको यहां पे एक बात समझ में आता है कि अगर वो एसएचएम है तो उसका फोर्स इक्वेशन ये होगा, ठीक है। आप चाहे तो वेक्टर से यूज करते, हम तो वेक्टर का बात नहीं करेंगे, हम मतलब डायरेक्ट समझ लेंगे खुद से इसका डायरेक्शन क्या होगा, बुद्धि से समझ सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ओके। अब हमको एक बात समझ में आया कि एसएचएम का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होगा, अगर ये पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है, मान लीजिए कि t इज इक्वल टू जीरो पे, वो यहां पे है मतलब x नॉट पे है, ठीक है, t इज जीरो पे x नॉट पे है, और ये मान लीजिए उसका a है, ठीक है ना, तो उसका जनरल इक्वेशन क्या होगा, मान लीजिए ये है a यहां से यहां तक, और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन है,
एक्सट्रीम पोजीशन यहां से आता है ओके। तो मान लीजिए कि यहां पे है अगर वो जीरो पोजीशन है x एंड दिस इज एट टाइम t, इसका मास n है, तो इसका रिलेशन क्या-क्या हमको आया, एक तो आया कि x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाइव ठीक। दूसरा वेलोसिटी दैट इज ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये दोस्तों हम लोग यहीं से यहां पहुंचे हैं ना, पहले तो मेरा ये था एडिशन, उसके बाद हम उसी एडिशन से इसको पीछे भी जाते थे यहां तक पहुंचे, बट हमने उसको ऐसे लिखा है। पहली बात तो ये ओके आई वॉज में ये हमारा क्या है एसएचएन का रिलेशन ठीक। अगर टाइम के साथ देखें एक ये बी और ये किस किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है एक्स के फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है एक्स के फंक्शन है ठीक है। अगर हमको बी और ए टाइम के फंक्शन में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, देखिए अगर ये है ए साइन ओमेगा टी प्लस वन, अगर इसका वेलोसिटी की बात करें तो एक्स डॉट होता है या बी होता है या dx by dt हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। x dot का मतलब होता है dx, एक डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में, और ये कितना हो जाएगा a ओमेगा सॉरी cos ओमेगा t प्लस 5 ठीक। उसके बाद x double dot या फिर a और या फिर d2x upon dt square या फिर dv upon dt, तीनों एक ही बात है, वो क्या हो जाएगा a ओमेगा स्क्वायर माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ठीक। तो अगर आप ध्यान से देखो तो a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव क्या है x, तो हम एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, खैर नहीं ये तो x का फॉर्मेट है ठीक है, मतलब आप देख लो ना यहां पे a को क्या लिख सकते हो माइनस ओमेगा स्क्वायर x, पहली बात ठीक है बात है समझ में। अच्छा अब देखिए ठीक है बोलो बात ही नहीं है समझ में, आई वास्तव में ये कंडीशन। अब ऐसा समझिए अब हम आपको ना ये सब पे भी चर्चा करेंगे, इस पे ग्राफ्स बनाएंगे, ग्राफ्स देखेंगे कैसा होता है, बहुत सारी बातें करेंगे इस पे, पर थोड़ी थोड़ी बात पहले इनिशियली समझते हैं इक्वेशन से जो आपको बेटर समझ में आएगा। x बराबर क्या है a sin omega t plus 5 ठीक है, b बराबर क्या है root under a square minus x square और a बराबर क्या minus omega square x ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो at x is equal to a, at x is equal to a मतलब एक्सट्रीम पॉइंट है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो, at x is equal to a देखें तो वेलोसिटी क्या है ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो और ए क्या है तो माइनस ओमेगा स्क्वायर खत्म, ये वो एक्सट्रीम पॉइंट है ठीक है। दूसरा अगर हम देखें कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो अच्छा ये मैक्सिमम है क्या, अगर इसका मैग्नीट्यूड देखा जाए तो क्या ये मैक्सिमम है क्या आज के, हाँ ये मैक्सिमम है। देखो ना एक्स का सबसे ज्यादा वैल्यू क्या हो सकता है ए ठीक है ना, तो एक्सट्रीम पॉइंट पे एक्सप्रेशन क्या होता है मैक्सिमम, क्या होता है मैक्सिमम ओके। एंड एट x इक्वल टू 0 व्हाट इज वेलोसिटी दैट इज ओमेगा रूट अंडर a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर एंड दैट बिकम्स a ओमेगा ठीक है। अच्छा वेलोसिटी क्या है रूट अंडर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये मैक्सिमम कब होगा तो जब x 0 होगा तब ना ये मैक्सिमम हो जाएगा। अरे नहीं यार समझे, x अगर 0 होगा तब ना ये मैक्सिमम होगा, तो इसका मैक्सिमम वेलोसिटी क्या है ये क्या v मैक्सिमम है आंसर है यहां पे a मैक्सिमम है। अच्छा एक्सेलरेशन क्या है यहां पे, सो माइनस ओमेगा स्क्वायर जीरो जीरो ठीक है आई बस समझ में। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है एक्सेलरेशन और क्या जीरो होता है वेलोसिटी, और मीन पोजीशन पे क्या मैक्सिमम होता है वेलोसिटी और क्या जीरो होता है एक्सेलरेशन, ये बात आप याद रखिए आज के बाद से ठीक है, लिख लीजिए इसको। एक बात तो तय है कि एक्सेलरेशन जो होगा
वो हमेशा टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा, एक्सीलरेशन जो होगा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगा हमेशा, इस तरफ मीन पोजीशन की तरफ, फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगा। है ये हम आपको लिखवा देंगे, आप घबराएं नहीं। चलिए कुछ कुछ बातें और करते हैं, इसको लिख लीजिए, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए हर हाल में, एसएचएम के बाद ये सारे बात आपको याद होनी चाहिए हर हाल में, तभी जाके मजा आएगा ये पढ़ने में। ठीक है, अब देखते हैं, अगर ये पार्टिकल है एंड इट इज डूइंग एसएचएम, मैं आपको बता दें कि एसएचएम कर रहे हैं और ये है उसका एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पे ठीक है ना, तो यहां पे क्या चीज होगा, यहां पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम और वेलोसिटी जीरो, यहां पे क्या मैक्सिमम होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम एंड एक्सेलरेशन जीरो, और यहां पे क्या होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम और यहां पे क्या होगा, वेलोसिटी जीरो। ठीक है, एक बात हम यहां लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे कि अच्छा फोर्स हमेशा किस तरफ होगा, एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा, चाहे इधर जाए चाहे उधर जाए, नेट फोर्स और एक्सेलरेशन या एंड कर दे एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड मीन पोजीशन, वो हमेशा किसकी तरफ होगा, मीन पोजीशन की तरफ, किसकी तरफ होगा, हमेशा ना हमेशा वो मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। ठीक, सबसे पहली बात समझ आ रहा है, कोई खास बात इसमें नहीं है, इफ नेट एंड एक्सेलरेशन ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी जीरो एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम। ठीक है, एट मीन पोजीशन एक्सेलरेशन इज जीरो एंड वी इज मैक्सिमम। आई बस समझ में ये सारी बात है, सो सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। दूसरी बात, एसएचएम करने के लिए क्या क्या चाहिए, टू डू एसएचएम नेसेसरी कंडीशन इज, नेसेसरी कंडीशन इज क्या, सबसे पहली बात फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव, जो उसको मीन पोजीशन की तरफ खींचे, फोर्स कैसा होना चाहिए, कंजर्वेटिव, अगर कंजर्वेटिव नहीं होगा तो वर्क करेगा तो उड़ जाएगा उसको, अगर यहां कंजर्वेटिव फोर्स है तब ना अपने किए गए वर्क को पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और तब जब चाहिए हमको वापस दे देता है, तो ये कैसा होना चाहिए, एफ एफ नेट यानी फोर्स इज, फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव होना चाहिए। दूसरा मतलब व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन, फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव, दूसरा मीन पोजीशन, फोर्स शुड बी हाँ कंजर्वेटिव, दूसरा इनर्शिया, ये किसकी वजह से रिकॉर्ड चाहिए, इनर्शिया, अगर बीच में इनर्शिया नहीं होता तो शायद रुक जाता, लेकिन इनर्शिया की वजह से बात क्या है, ये दो परम आवश्यक कंडीशन है किसके लिए, एसएचएम के लिए, किसके लिए, एसएचएम के लिए, फोर्स शुड बी कंजर्वेटिव एंड इनर्शिया। ठीक है ना, दूसरा मीन पोजीशन, पोजीशन शुड बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है ना, मीन पोजीशन हमेशा किसमें होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन में।
लिख लीजिए इसको। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ही बता दूं, आप लिख लीजिए, पॉज करके लिख सकते हैं। ये तीन चीज का ध्यान रखेंगे, फोर्स कंजर्वेटिव होना चाहिए और है भी ना यार, आपको देख के पता कर सकते हो कि f कैसा है। f x का फंक्शन है, मैंने पढ़ाया था तीन चीज, एक जब f कांस्टेंट होता है, एक जब f f मतलब fx x का फंक्शन हो, fy y का फंक्शन हो, fz z का फंक्शन हो तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो वहां fx x का फंक्शन है तो कंजर्वेटिव है। और तीसरा था पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्मेट, याद होगा आपको, तो ये बीच वाला है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा चीज आपको तीसरा बात समझाने के लिए हम कर रहे हैं, आपने ये पढ़ा हुआ ये ऐसा और ये, यानी इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ा रहे थे, तो यहां पे बॉल है, यहां पे बॉल है और यहां पे बॉल है, यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी यहां पे इक्विलिब्रियम है, ये कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन था, याद करो, अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये कैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और ये कौन सा कंडीशन था दोस्तों, न्यूट्रल, इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, इसको हम डिस्प्लेस किए, अगर इसको डिस्प्लेस किया तो क्या नीचे गिर जाएगा, वापस आएगा क्या आपके पास, आंसर नहीं, तो फिर रेसिस्टेंस कहां से होगा बताइए। अगर यहां पे इसको हम ऐसे हिलाएं तो ये तो इधर ही जाएगा, तो वापस क्यों आएगा, तो यहां भी इससे नहीं हो सकता है, यहां होगा क्या, एक कटोरे में एक बॉल रखा उसको ऊपर करके छोड़ दी तो नीचे नहीं आएगा क्या, तो फिर अपने मीन क्वेश्चन की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसा कब होगा, जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा। देखो ना ही इसमें पॉसिबल है ना ही इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना, तो उसका मीन पोजीशन कहां होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये यही ये होगा, तभी आपका फोर्स इस तरफ होगा वापस को लेके आएगा, ठीक है। ये सारी बात आप पढ़िए, ढंग से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, और कुछ भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में लिखिए या ग्रुप में डालिए अपने इंस्टीट्यूट के ग्रुप में, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, तब तक के लिए।